Read the Parallel Lives. It's a brilliant narration comparing the lives of Subhash Chandra Bose and Jawaharlal Nehru. छोटी सी किताब है, रुद्रांशु मुखर्जी ने लिखी है और बहुत अच्छी किताब है. अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको एक कम से कम पता चलेगा कि वाई गांधी वुड हैव ऑप्टेड फॉर नेहरू ओवर सुभाष चंद्र बोस. ब्रिलियंट बुक. क्राउड, मैं सबको बताता हूँ कि इसको पढ़ना चाहिए कि वाई इन डेमोक्रेसी डिस्पाइट ऑल इट्स फ्लॉज क्राउड और द ग्रुप इज लाइकली टू मेक राइट डिसीजन देन एनी इंटेलिजेंट पर्सन बिकॉज मेनी टाइम्स वी स्टार्ट फीलिंग कि ये सब बेवकूफ़ हैं, सब इलिटरेट हैं, ये क्या सरकार चुनेंगे. इट्स ए प्रूवन बुक. दो बुक तो जरूर आपको बता सकते हैं. ऑन द टॉप ऑफ द माइंड यू शुड ऑल्सो यू मस्ट लर्न रीड माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ विच इज गांधी. दिस द फंडामेंटल बुक विच एवरी इंडियन शुड रीड. मुझे लगता है कि गांधी के विषय में एक लाइन में बहुत छोटा मुँह बड़ी बात है कि गांधी को अगर आप गांधी की कोई बात अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो ये समझिए कि आपने उस बात को समझने की अभी समझ डेवलप नहीं की है. वो आदमी उस आदमी ने जो कुछ भी कहा वो सही ही कहा होगा. मैं कम से कम ऐसा मानता हूँ. मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि गांधी ने जो कहा अगर आप उसको समझ नहीं पा रहे, अगर आप उसको गलत समझ रहे हैं या समझ रहे हैं कि यार ये आदमी ने क्या ये बेवकूफ़ी वाली बात कह दी, तो समझिए कि आपको वो समझ उस चीज़ को समझने की अभी डेवलप नहीं हुई है. मैं गांधी का बड़ा क्रिटिक था शुरू में. जब 8th-9th में पढ़ता था मैं रेलवे स्टेशन पे मैंने गांधी जी का एक कोट पढ़ा. आपने भी देखा होगा, टिकटलेस ट्रेनिंग रोकने, टिकटलेस कम्यूटिंग को रोकने के लिए गांधी का मंत्र कि मैं अगर ब्रिटिश सरकार को एडवाइस कर पाता तो उनको कहता कि सिटीजन्स को ये अनाउंस कर दीजिए कि जब तक आप टिकट नहीं लेंगे तब तक ट्रेन नहीं चलेगी. तो मैं बरसों तक सोचता था कि क्या बेवकूफ़ी वाली बात, मेरे जैसा आदमी तो टिकट लेगा नहीं तो कभी ट्रेन चलेगी नहीं. 15-17-18 बरस के बाद जब मैं पहली बार यूरोप गया तो मैंने देखा बस में लोग को चढ़ते हुए और लोग स्वैप कराते हैं, कोई वहाँ कंडक्टर होता नहीं है. तो उस क्षण में मुझे ऐसा लगा कि यार इमेजिन करो उस आदमी ने इस चीज़ को 100 बरस पहले सोचा था कि अगर बस चलनी है तो आप आइए और खुद से अपना टिकट दिखाइए और कोई पूछता नहीं है, आप चढ़िए उतरिए. एंड दैट डे एंड आई ट्राई टू री रीड एवरीथिंग व्हाट आई कुड हैव लेड माय हैंड ऑन अबाउट गांधी. और जो बात समझ में नहीं आती है तो मैं मान लेता हूँ कि मुझे लगता है कि मुझे अभी उस चीज़ को समझने की मेरी क्षमता वो डेवलप नहीं हुई है. उसी परिप्रेक्ष में आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये द पैरेलल लाइफ्स पढ़िएगा तो कई लोग कहते हैं कि अरे सुभाष चंद्र बोस होते तो ये हो जाता, पटेल होते तो ये हो जाता. उस आदमी ने क्यों नेहरू को चुना, मैं कोई नेहरू का फ़ैन हूँ ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसका एक रैशनल आपको समझ में आएगा. और गांधी को पढ़िए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है. उससे बेहतर कोई ह्यूमन बीइंग यहाँ पैदा हुआ नहीं धरती पे. और आपको समझ में आएगा कि जो लोग बात कहते हैं, मेरे से भी लोग कहते हैं कि भाई आपकी क्या आइडियोलॉजी है, मैं उनसे पूछता हूँ कि गांधी ने आज अगर गांधी होते तो वो गाय हत्या गौ हत्या का विरोध कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से संघ की आइडियोलॉजी उनकी आइडियोलॉजी हो गई. उन्होंने ग्राम स्वराज की बात कही तो उसके हिसाब से वो सोशलिस्ट हो गए. उन्होंने स्टेट ओनरशिप की बात कही तो उसके हिसाब से कम्युनिस्ट हो गए. और उन्होंने कांग्रेस के तो थे ही, तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी आप बता दीजिए कि उनकी क्या आइडियोलॉजी थी. मुझे आज तक कोई मिला नहीं जो बता सके कि गांधी की आइडियोलॉजी क्या थी. और बहुत पढ़े लिखे लोगों से, जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, उनसे भी मैं पूछता हूं कि आप बताइए कैसे गांधी की थॉट प्रोसेस को आप किस आइडियोलॉजी में बैठाते हैं. तो अगर आप उनकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने और पढ़ने की, मेहनत करने की, समझ को डेवलप करने की जरूरत है.